नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से करियर पर यूट्यूब चैनल पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल हमें देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से मॉक टेस्ट आपको बाय करने चाहिए बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, कौन से ऐसे बेस्ट मॉक टेस्ट हैं जो आपको बाय करने चाहिए। वीडियो को दोस्तों शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्लीज़ दबाएँ ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोज़ बनाने का। और मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ रेगुलरली आपके लिए। सुबह मेरी डेली वीडियो आ जाती है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों मेरी थोड़ी सी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें आपको प्रिपरेशन कराता हूँ मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि नबार्ड की बैंकिंग है, इंग्लिश वोकैबुलरी है और SSC GD की भी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। ये तो सामने आपको 6 नाम दिख रहे हैं ना, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247, बायजूस, गाइडली, टेक्स्टबुक और स्मार्ट कीड़ा। ये दोस्तों ऐसे 6 मॉक टेस्ट हैं जिन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी है एस्पिरेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप मॉक टेस्ट बाय करना चाह रहे हैं तो इन 6 में से आप कोई भी बाय करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है इनका, ठीक है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इनकी प्राइसिंग के ऊपर कि किसका प्राइस कम है और किसका प्राइस ज़्यादा है, और थोड़ा लेवल के ऊपर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला जो मैंने पहले तो ये सामने आप देख रहे होंगे कि कौन सा मॉक टेस्ट बाय करें। आपको मैंने 6 नाम दिए हैं, अड्डा 247, मैं पेन ओपन कर लेता हूँ साथ साथ। मैंने आपको 6 ऑप्शन दिए हैं, अड्डा 247, टेक्स्टबुक, गाइडली, ग्रेडअप जो अब बायजूस हो गया, ऑलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे सबकी प्राइसिंग के ऊपर। सबसे पहले हमने लिया स्मार्ट कीड़ा का मॉक। स्मार्ट कीड़ा की बात करें दोस्तों, इसमें अलग अलग मॉक्स आते हैं, आपको कोई कंबाइन इनका पैक नहीं है। IBPS PO प्री की बात करें तो 290 रुपीज़ का है। ये मैं दोस्तों आपको जनरल प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप इसके बाद कोई कूपन कोड लगाते हैं आपको मिलता है तो आपको प्राइस का जो डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें PO प्री प्लस मेंस की तो 369 रुपीज़ का है। SBI की बात करें 319 रुपीज़ का है। SBI PO प्री 469 रुपीज़ का है। IBPS क्लर्क है 290 रुपीज़ का, और IBPS क्लर्क प्लस प्री है 369 रुपीज़ का। ये दोस्तों मैंने बेसिकली ना जो दो एग्ज़ाम कवर करे हैं इसके अंदर, SBI PO और IBPS PO, हर एक ऐप का मैं दो मॉक लेके आया हूँ, IBPS PO और SBI PO, क्योंकि दोस्तों सारे सबका अलग अलग प्राइसिंग है। अगर स्मार्ट कीड़ा की बात कर रहे हैं जैसे आप, तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग प्राइसिंग है इनका। अगर मैं सारे लेके आ जाऊँगा आपके लिए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सबको कवर करना और आपको एनालाइज करके बताना कि किसका कम है प्राइस, ठीक है। तो इसलिए दो एग्ज़ाम लेके आया हूँ मैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्टबुक के ऊपर। तो टेक्स्टबुक में दोस्तों क्या है, टेक्स्टबुक का अलग अलग प्लान नहीं है सब एग्ज़ाम्स का, अगर आप मान के चलेंगे तो। SBI जो टेक्स्टबुक है इसका मंथली टेक्स्टबुक आता है 299 रुपीज़ का, जो पर मंथ आपको पड़ेगा 299 रुपीज़ का। ईयरली आप देखेंगे तो 399 रुपीज़ का पड़ेगा आपको, और अगर आप लाइफ टाइम देखेंगे 599 रुपीज़ का मिलेगा। सबसे चीपेस्ट मेरे हिसाब से अगर आप माने तो टेक्स्टबुक चल रहा है अभी, क्योंकि मंथली 300 रुपीज़ और ईयरली 400 रुपीज़ बहुत ही सस्ता है दोस्तों। और आप लाइफ टाइम देखेंगे तो 600 रुपये का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ी ऑफर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलिव बोर्ड की। ऑलिव बोर्ड में भी ऐसा है कि आपको अलग अलग टेक्स्टबुक बाय करनी पड़ेंगी अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अगर हम बात करते हैं SBI PO प्रीलिम्स की तो 500 रुपीज़ का है। SBI PO का प्री प्लस मेन देखेंगे तो 749 रुपीज़ का है, और SBI PO सुप्रीम देखेंगे अगर तो 899 रुपीज़ का है, ठीक है। IBPS की बात कर लें, IBPS PO में जो प्रीलिम है वो 499 का है, IBPS PO जो मेन्स है वो 749 रुपीज़ का है, और जो PO सुप्रीम है 899 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें भी सेपरेटेड है हर प्री मेन्स प्लस टोटल कम्बाइंड। नेक्स्ट हम बात कर लें गाइडली के ऊपर। तो दोस्तों गाइडली का जो है ना, गाइडली और टेक्स्टबुक, मैंने आपको बताया टेक्स्टबुक बोल रहा था कि बहुत सस्ता चल रहा है, सबसे सस्ता चल रहा है, लेकिन गाइडली प्लस टेक्स्टबुक मान के चलें आप सबसे सस्ता चल रहा है गाइडली। गाइडली 6 महीने में आपको 199 का प्लान दे रहा है, 199 में आपको 6 महीने का प्लान दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज दे रहा है आपको। SSC बैंकिंग और रेलवे और इंश्योरेंस सब एग्जाम्स कवर करेगा ये, प्लस इसमें NRI CET भी इंक्लूड होगा। आप जाके चेक कर सकते हैं गाइडली के ऊपर कि क्या इसका प्राइस चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अड्डा 247 की। तो अड्डा के मॉक भी चीप हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं, नॉर्मल रेंज में है। PO की बात करें तो 299 रुपीज़ का यहाँ पे PO प्री प्लस मीन्स। IBPS RRB PO की बात करें तो 449 रुपीज़ का, 450 रुपीज़ का। और अगर आप बैंक प्राइम टेस्ट 3 देखेंगे तो 999 रुपीज़ की है यहाँ पे, ठीक है, 1000 रुपये की आपको मिल जाएगी यहाँ पे अड्डा 247 की। अब मैं कंपैरिजन बताऊंगा आपको सारा। लास्ट हम बात करते हैं बायजू के ग्रेडअप की। तो बायजू का ग्रेडअप देता है आपको 300 रुपीज़ का कंप्लीट बैंक टेस्ट सीरीज, वो भी 3 मंथ्स के लिए। आपको इसमें सारे आपके एग्जाम कंप्लीट इंक्लूड होते हैं, इसमें RRB PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, नबार्ड, RBI, SEBI, FCI, सारे एग्जाम्स कवर करता है बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस के।
तो अब हम बात करते हैं कि बाय कौन सी करनी चाहिए दोस्तों। अगर तो आप उसके हिसाब से देखेंगे, अगर आप लेवल के हिसाब से देखेंगे तो टेक्स्ट बुक का लेवल क्लर्क लेवल के हिसाब से आता है। टेक्स्ट बुक और आप मान के चलें गाइडली, दोनों सेम उस पर चलते हैं। अगर आपको थोड़े हार्ड मॉक चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको बायजू का ग्रेडअप प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बायजू ग्रेडअप का प्रेफर काफ़ी, उनका लेवल काफ़ी ऊपर है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करें या फिर आप गाइडली से बात करें या फिर ऑलीवुड से बात करें, सबसे ऊपर लेवल बायजूस का ग्रेडअप का है। आप भले चेक कर सकते हैं, आप एक एक मॉक आप लगा के चेक कर सकते हैं जो फ्री मॉक होते हैं इनका, आपको पता चल जाएगा लेवल। लेवल अड्डा का भी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज करा है, मैं क्योंकि सारे ऑलमोस्ट यूज़ कर चुका हूँ, तो ग्रेडअप का जो लेवल है सबसे ऊपर चल रहा है आजकल। और मैंने भी दोस्तों अभी एग्ज़ाम दिया था पहले, ESIC MTS प्रीलिम्स, मेरा वो क्लियर हो चुका है ESIC MTS प्रीलिम्स का जो पीछे हुआ था। हालांकि मैं मेंस में कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरा कंप्लीट मतलब मेंस मेरा नहीं पास हो पाया, बट प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था। प्रीलिम्स दोस्तों मेरा निकला इसी वजह से है, क्योंकि मैं कर रहा था टेक्स्ट बुक प्लस बायजू दोनों, क्योंकि टेक्स्ट बुक बेसिक लेवल आपका कंप्लीट कराता है और बायजू आपका हाई लेवल आपका कंप्लीट कराता है। ठीक है, और दोस्तों बात रही नंबर की, मॉक में नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों मॉक में कभी कभार नंबर नहीं आते, क्योंकि मैंने भी अपना ESIC का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे जो कट ऑफ गई थी, जैसे दिल्ली की कट ऑफ गई थी 180, मेरे कभी आज तक मॉक में 180 नंबर नहीं आए, ऑलमोस्ट 130-140 तक ही मैं रह जाता था हमेशा। तो मेरे को लगता था कि यह हो सकता है कि मॉक का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है या मेरी कुछ पढ़ाई में कमी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मॉक का लेवल दोस्तों हल्का सा मान के चलें ऊपर रखते हैं ये लोग, है ना, हल्का सा ऊपर रखते हैं, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको बेसिक लेवल ही मिले और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो उसके अंदर। ठीक है, बाकी दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए मिस ना हो, आप तक पहुंच जाए। डेली वीडियो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए और आती रहेंगी। और दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है मेरी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।